इन प्रोडक्ट्स का असली दाम आप नहीं जानते थे। क्यों इस आदमी ने बस अपने सिक्स पैक एप्स को बनाने के लिए अपनी पूरी फैमिली को ही खत्म कर डाला? कैसे इस आदमी के बच्चे के इस हरकत की वजह से ये आदमी एक दिन के लिए अदानी जितना अमीर बन गया? और इंडियन पेरेंट्स और अमेरिकन पेरेंट्स में कौन ज्यादा बेटर है, तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 22, अगर आप चैट के स्क्रीनशॉट लेते हो तो आपको जेल हो सकती है। दरअसल चैट के स्क्रीनशॉट लेना और उसे कहीं पर भी भेजना दोनों इल्लीगल चीजें हैं। नंबर 21, 2023 का लास्ट डे बहुत यूनिक होगा, क्योंकि इसके लास्ट डे पर जो डेट होगी वो होगी 123123, क्योंकि ये 12th मंथ 31 डेज और 23 इयर्स है, यानी इन्हें एक साथ लिखा जाए तो ये होगा 123123। नंबर 20, एक बार सारा इस MRI वीडियो को देखो, ये आंखों का MRI है। जब हम उसे रब करते हैं भाई, ये दिखने में इतना खराब लग रहा है, अब आंखें रब करते वक्त भी डर लगेगा, लेकिन ये चीज कम्प्लीटली नॉर्मल है। नंबर 19, 11 साल के एक लड़के ने स्विस बैंक को हैक किया और उसमें $75 बिलियन अपने पापा के बैंक में ट्रांसफर कर दिए, और ये बात उसने अपने पापा को नहीं बताई थी क्योंकि वो उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स इसे पकड़ लिया गया, लेकिन इतना अच्छा बेटा तो हर कोई डिजर्व करता है। नंबर 18, स्टाइल के नाम पर लोग कुछ भी कर रहे हैं। एक बार जरा इस इयररिंग्स को देखो, ये इंडियन रियलिटी शोज के जज के काम आ सकती है, क्योंकि वो बार बार रोते जो रहते हैं। नंबर 17, इस नर्स ने अपने मरे हुए पेशेंट का डेबिट कार्ड यूज कर लिया। इसे जब पता चला कि उसका पेशेंट मर चुका है, तो उसने उसके डेबिट कार्ड को यूज करके अपने लिए स्नैक्स ऑर्डर कर लिया। सच में यार, भूख लगने पर लोग बावले हो जाते हैं। नंबर 16, जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होता है, यानी कि किसी भी स्पोर्ट्स में जो थर्ड आते हैं, वो सिल्वर मेडलिस्ट यानी कि सेकंड आने वाले से ज्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि सेकंड वाले को ये लगता है कि वो फर्स्ट आ सकता था और थोड़ा चूक गया, लेकिन थर्ड आने वाले के लिए जीतना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। नंबर 15, एक पूरे सुपरमार्केट को माइकल जैक्सन की वजह से बंद करना पड़ा था। दरअसल एक बार माइकल जैक्सन भी नॉर्मल लोगों की तरह शॉपिंग करना चाहते थे, लेकिन वो अगर ऐसे ही शॉपिंग पर चले जाते तो भीड़ इतनी जम जाती कि माइकल जैक्सन और सुपरमार्केट वालों को प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए माइकल जैक्सन आ रहे हैं ये देखकर उन्होंने पहले ही सब कुछ सुपरमार्केट से निकाल दिया। नंबर 14, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये स्टेकेस है, ये रोटेट हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, क्योंकि सब ऑलमोस्ट एक ही स्पीड से मूव हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये स्टेकेस रोटेट हो रही है। नंबर 13, इस सिटी का नाम है व्हाई नॉट, ये फनी लगता है, लेकिन उससे भी फनी इसकी स्टोरी है। दरअसल इस सिटी के लोग इस बात को लेकर आर्ग्यू करते थे कि इसका नाम क्या रखें, और ये आर्ग्यूमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक व्यक्ति ने उसे रोकने के लिए कहा, व्हाई नॉट नेम द सिटी व्हाई नॉट एंड गो होम, और बस उन्होंने वही किया। मतलब एक आर्ग्यूमेंट के वर्ड को इन्होंने सिटी का ही नाम बना दिया। नंबर 12, इंडियन रेलवे इतनी ज्यादा लोगों को कैरी करती है कि उतने तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इंडियन रेलवे सच में हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। नंबर 11, नॉर्वे के स्वालबोर्ड में मरना भी इलीगल है। यहाँ इतनी ठंड होती है कि डेड बॉडी को जमीन में नहीं दफनाया जाता, लेकिन ठंड की वजह से वो डेड बॉडी प्रिजर्व हो जाती है और डीकम्पोज नहीं होती, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ गई है तो इसे कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाएगा ताकि वो वहाँ पर मर सके। नंबर 10, हैरी पॉटर की शूटिंग के दौरान डैनियल रैडक्लिफ ने 70 से ज्यादा वैन तोड़ी थी, वैन मतलब जो ऐसे दिखती है, और 160 से भी ज्यादा ग्लासेस तोड़ दिए थे, यानी कि शूटिंग के दौरान वो इन चीजों से बार बार खेलते रहते थे और उसे गलती से तोड़ देते थे, जिसके बाद प्रॉप टीम को इसे रिप्लेस करना पड़ता था। नंबर 9, अर्थक्वेक से बिल्डिंग्स को नुकसान हो सकता है, लेकिन एक बिल्डिंग का फायदा हो गया, लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा जो कि झुकी हुई है वो अर्थक्वेक की वजह से सीधी हो गई। आप इस फोटो में देख सकते हो कि 1990 के मुकाबले आज के वक्त ये 1.6 इंचेस जितना स्ट्रेट हो गई है, और एक तरफ लोगों का डर था कि भूकंप आने पर ये सबसे पहले गिर जाएगी। नंबर 8, मैंग्रोव फॉरेस्ट को कोस्टल सिटीज का भगवान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा जोर की वेव आने के बाद भी मैंग्रोव फॉरेस्ट के उस साइड बिल्कुल भी पानी में वेव्स नहीं है, यानी कि ये बाढ़ आने से बचाते हैं, इसलिए उसे काटना भी हर जगह पर, यहाँ तक कि इंडिया में भी इलीगल है। नंबर 7, US के स्टेट्स में लगभग पूरे अल्फाबेट के सारे लेटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्यू लेटर को छोड़ के। अब ये तो बस एक कोइंसिडेंस है कि किसी भी स्टेट के नाम में ये लेटर आता ही नहीं। नंबर 6, इस मैप पर ये जो रोड अभी आपको दिख रही है, ये पूरी दुनिया का सबसे लंबा रोड है जो कि कोई व्यक्ति चलकर ट्रैवल कर सकता है। अगर आप इसके स्टार्टिंग से लेके अंत तक जाओगे तो आप किसी और ही कंट्री में पहुंच जाओगे, और बीच में कई सारे डिफरेंट स्टेट और टाउन का मजा भी ले सकते हो। नंबर 5, आईफिल टावर के ऊपर आप अगर जाओगे तो आपको पेरिस कुछ इतना ज्यादा कमाल का दिखेगा, उसमें भी अगर आप शाम के टाइम पर चढ़ोगे तो सनसेट देखने का मजा ही अलग आता है, यही वजह है कि इतना ज्यादा फेमस है। नंबर 4, जैक एंड जिल नाम की 2012 में एडम सैंडलर्स ने एक कॉमेडी मूवी बनाई थी, जिसे रैस्पबेरी अवार्ड्स में कई सारे अवार्ड्स मिल गए। और अगर आप सोच रहे हो कि ये बहुत ज्यादा कमाल की होगी, तो मैं आपको बता दूं, रैस्पबेरी अवार्ड उन मूवीज को दिया जाता है जो पूरे साल में सबसे बेकार परफॉर्म करती है। यार, इससे ज्यादा ह्यूमिलेशन किसी के नहीं हो सकती। नंबर 3, हैटल मैकडेनियल दुनिया के
सबसे पहली ब्लैक महिला थी जिसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, वो 1940 में, जब ब्लैक लोगों को राइट्स नहीं दिए जाते थे। लेकिन सैड पार्ट ये है कि उन्हें ये अवार्ड होटल के बैकग्राउंड में दिया गया था, क्योंकि सबके सामने दिया जाता तो लोग ऑफेंड हो जाते। नंबर टू, फेमस प्रोडक्ट्स को आप जितने रुपए में खरीदते हो उनकी मेकिंग प्राइस उससे काफी ज्यादा कम होती है। जैसे कि सबसे पहले बात करें नाइकी के जॉर्डन शूज की, जिनकी कीमत 20,000 रुपए से लेकर 6,00,000 तक जाती है। उन्हें बनाने में ज्यादा से ज्यादा 1,500 का खर्च आता है, और अगर हम बाकी सारे एक्सपेंसेस मिला लें तो ज्यादा से ज्यादा 2,000। और बिल्कुल इसी तरीके से आप जो आईफोन यूज करते हैं वो भी काफी सस्ते में बनते हैं। जैसे लेटेस्ट आईफोन 14 की बात करें तो उसे बस 35,000 से 37,000 में वो बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसे 1,00,000 से ज्यादा में बेचा जाता है। और फिर जो आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, जैसे कि बड़े ब्रांड लाइक न्यू बैलेंस, गुची, ज़ारा, उनके कपड़े भले ही आपको हजारों से लेकर लाखों तक मिले, लेकिन उनमें से ज्यादातर की मेकिंग प्राइस $5 की होती है, यानी कि 410 रुपए। इसलिए ब्रांड के पीछे ना जाकर आपको मटेरियल और डिजाइन पर जाना चाहिए। नंबर वन, इंडियन पेरेंट्स वर्सेस अमेरिकन पेरेंट्स में से कौन ज्यादा बेटर है? वैसे तो ये चीजें इंडियन या अमेरिकन होने से फर्क नहीं पड़ती, क्योंकि सारे इंसान अलग होते हैं, लेकिन फिर भी देखा गया है कि इंडिया के पेरेंट्स अमेरिकन पेरेंट्स से कई ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वो पढ़ाई से लेकर अपने बच्चों के हैबिट हर एक चीज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, क्योंकि बच्चों पर काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर भी डालता है। लेकिन आपको भी पता होगा डायमंड्स प्रेशर में ही बनते हैं। हम किसी के भी पेरेंटिंग को क्वेश्चन नहीं कर रहे या फिर किसी भी पेरेंटिंग स्टाइल को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन इंडिया के अपब्रिंगिंग वाले बच्चे ज्यादा डिसिप्लिन वाले होते हैं, इसी के साथ वो दूसरों के बारे में ज्यादा केयर भी करते हैं। यानी इंडियन बच्चों में काफी ज्यादा इमोशंस होते हैं, जो कहीं ना कहीं अच्छा है। वही अमेरिकन बच्चों के पास बहुत ज्यादा फ्रीडम होती है। वैसे आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट, लोग बहुत सारी जगह जाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी जगह जाना चाहते हो जहाँ पर कोई भी नहीं जाना चाहता तो आपको वहीं पर जाना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पर अपने इंटरेस्ट के लोग मिलेंगे जो आपकी ही तरह सोचकर उस जगह पर गए होंगे, और आपको उस जगह पर जाकर और मजा आएगा। और अगर आपके पास ये चीज है तो आपका एक परफेक्टली हेल्दी माइंड है। अगर आप कोई भी सिली क्वेश्चन को एक अच्छे सार्केस्टिक वे में, मतलब कोई अच्छे से फनी तरीके से इंटेलिजेंटली आंसर करते हो, तो इसका मतलब यही है कि आपका ब्रेन बहुत हेल्दी है और आप चीजों को अच्छे से प्रोसेस कर पाते हो कि उनके ऊपर आप एक जोक बना सको। और कैसे आप बैठे बैठे 15 सिगरेट पी रहे हो? जी हाँ, अगर आप बहुत अकेले रहते हो, मतलब एक या दो दिन के अकेले नहीं, मतलब आप महीनों से अकेले रह रहे हो, तो ये बॉडी के लिए उतना ही खतरनाक है जितना एक इंसान 15 सिगरेट पीता है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना सीखिए। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि कैसे आप अच्छी क्वालिटी की चीजों को आसानी से पहचान सकते हो? क्यों बस इस छोटे से नॉर्मल क्लिप को पहनने से आपको गोली मार दी जाती थी? और क्या पेंसिल के कचरे और दूध मिलाने से रबर बनता है? भाई ये वीडियो तो बहुत मजेदार है, तो इसे अभी दबाओ। और अभी तक ये वीडियो का लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।